प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु ने ऐसा कहा, जागते रहो। तो जागते रहो मतलब क्या? बाइबल में रात इसलिए हमको दी है कि हम उसमें विश्राम करें, हम सो जाए। तो क्या रात को भी हम ना सोए? जागते रहो उस वचन से प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं, किस में जागते रहें, किस बात में हमें जागते रहना है, कौन सी बात हमें जागते रहने में सिखाती है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के चेले यरूशलेम में घूम रहे थे। तो चेलों ने प्रभु यीशु को बोला, देखो यीशु, ये परमेश्वर का भवन कितना बढ़िया बनाया है, और दूसरी जो बिल्डिंगें थी वो बताई कि देखो कितना अच्छा अच्छा इंसानों ने बनाया है। तो प्रभु ने ऐसा कहा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। तो चेले जो देखने की धुन में थे, मतलब कि सांसारिक धुन में थे, संसार प्रति आकर्षित थे कि देखो संसार वालों ने कितना बड़ा है, कितना बढ़िया बना है, कितनी अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रभु ने एक ही शब्द में सब पानी फेर दिया। बोले एक दिन ऐसा आएगा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। तो चेले सारे खामोश हो गए, बोला भाई इनको कुछ बोलना नहीं है। और जब वो जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर चले गए और अकेले में थे, तब चेलों ने उस बात को याद करते हुए प्रभु से पूछा कि यीशु ये सब कब होगा? उनको पता चल गया था ये अंतिम दिन की बात है। तो बोला कि यीशु आपके आने का और इस संसार के अंत का क्या निशान होंगे, वो तो हमको बताओ। तो प्रभु ने निशान बताना शुरू किया कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठी शिक्षा आएंगी, बहुत लोगों को भरमाएंगे। फिर प्रभु ने ये भी बताया कि धरती कंप होगे, बीमारियां फैलेगी, जाति जाति के विरोध में हो जाएंगे, देश देश के विरोध में हो जाएंगे, राज्य राज्य के विरोध में हो जाएंगे, और मेरे नाम के कारण सारी प्रजा तुमसे बैर रखेगी। फिर प्रभु ने कहा कि फिर मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा, उसके राज में ये होगा वो होगा। फिर प्रभु ने बोला उसके बाद, प्रभु ने बोला मेरा निशान जो है वो आसमान में दिखाई देगा। और ये सारी बातें बताने के बाद प्रभु ने एक बात और कही, और वो बाइबल से हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 42वां वचन। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा, प्रभु ने बोला ये सारी निशानियाँ बताने के बाद, ध्यान से समझना, अंतिम दिनों की निशानी बताने के बाद प्रभु ने चेलों से ऐसा कहा कि जागते रहो। क्या चेले सोए हुए थे? जाग रहे थे ना? और जो जाग रहे थे उनको प्रभु ने ऐसा बोला कि जागते रहो। तो सभी तो जाग ही रहे थे, तो जागने वालों को प्रभु ने क्यों कहा जागते रहो? इसका मतलब ये कोई और नींद की बात होगी या कुछ और बातों में जागने की बात होगी। हमारे पास तीन बातें हैं, मतलब कि एक शरीर है, उसके अंदर लहू मतलब प्राण है, और एक है आत्मा। ये तीन चीज़ मिलकर एक इंसान बनता है, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर जो है वो एक दिन मरने वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन आत्मा निकल जाएगा तो शरीर काम नहीं आएगा। शरीर जिस मिट्टी से लिया गया था वो शरीर वापस एक दिन मिट्टी बन जाएगा, मतलब शरीर को एक दिन खत्म होना है। लेकिन उसके बाद जो सपोपदेश सुलेमान ने लिखा, उन्होंने ऐसा लिखा कि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगा। तो परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगा मतलब ये कहने का मतलब नहीं परमेश्वर के पास जाकर राज करेगा। परमेश्वर के पास इसलिए जाएगा कि उसका न्याय होने वाला है। जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वो यहाँ से निकलने के बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएगा और वहाँ पर जाकर उसका न्याय होगा। आज लोग शरीर के प्रति बहुत सोचते हैं, शरीर की देखभाल भी बहुत करते हैं। हल्का सा बुखार आ गया या हल्की सी कमजोरी आ गई तो इंसान भागने लगता है, वो चला जाता है डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, या तो प्रार्थना में लग जाता है कि परमेश्वर कमजोरी दूर करो। डॉक्टर को बोलेगा कमजोरी के लिए कोई दवाई दो, ये मेरा बुखार जो है उसको दूर करो।
इंसान अस्पताल डॉक्टर के पास भागने लग जाता है। और आजकल तो इतने एडवांस हो गए कि 30-35-40 साल बहुत हो गए, उसके बाद तो इंसान रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाता रहता है, ब्लड प्रेशर कितना है, डायबिटीज़ है कि नहीं, और कोई बीमारी है कि नहीं, आने की कोई संभावना है कि नहीं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से उसको सुधार लिया जाए, ये सब इंसान जो है उसके प्रति इतना चौकन्ना रहता है, अपने शरीर के प्रति मेडिक्लेम उतरवाता है, मतलब एक जात का बीमा कि कभी अगर बीमार हो गए तो ये लोग हमको पैसा देंगे, हमारा खर्च करेंगे। फिर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है, माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और वो लोग बनवा देते हैं, भगा दौड़ी करते हैं। सर के प्रति इंसान इतना जागरूक रहता है, जब ठंड के दिन आते हैं तो कुछ खास तरह की मिठाई लोग तैयार करते हैं, दुकान में मिलती है, घर में लोग बनाते हैं, जो शुद्ध घी से लोग बनाते हैं, और काजू बादाम मालूम नहीं क्या क्या उसके अंदर डालकर बनाते हैं, वो गम भी डालते हैं उसके अंदर, कि ये खाने से शरीर की हड्डियाँ वो मजबूत रहेगी, जोड़ मजबूत रहेंगे। बस शरीर के प्रति इंसान इतना जागरूक है कि वो बहुत कुछ करता है अपने शरीर के लिए, कितनी भी महंगी चीज़ होती है खाने पीने की वो भी लेकर आता है, खाने पीने में अपना ख्याल रखता है। लेकिन इतनी जागरूकता आत्मा के प्रति इंसान की नहीं दिखती, आत्मा के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं दिखती, जिस आत्मा का परमेश्वर न्याय करने वाले, इस तरह को कितना भी खिलाओ पिलाओ लेकिन वो तो मिट्टी बनने वाला है। लेकिन आत्मा के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं दिखाई देती। सही में आत्मा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, अगर आत्मा के प्रति जागरूक नहीं तो इसका दूसरा मतलब है कि वो इंसान आत्मा में सोया हुआ है। अगर आत्मा में जाग नहीं रहा तो इसका दूसरा मतलब है कि वो सोया हुआ है। और प्रभु यीशु इसी नींद की बात कर रहे थे, आत्मा की नींद की बात अपने चेलों के साथ। तो चेले वैसे तो जाग रहे थे, शरीर में तो जाग रहे थे, लेकिन अंत की निशानियां बताने के बाद प्रभु यीशु ने उनको ऐसा कहा, जागते रहो। उससे पहले नहीं कहा कि जागते रहना, लेकिन अंत की निशानियां बताने के बाद, मतलब अंतिम दिन इतने भयानक से है, इसलिए प्रभु यीशु ने अंतिम दिनों की बात करने के बाद चेलों को बोला, जागते रहना कि अंतिम दिन आएंगे और अंतिम दिन में जो कुछ होने वाला है वो होगा, इसलिए जागते रहो, अपने आत्मा के प्रति जागते रहो, आत्मा का न्याय होने वाला है उसके लिए जागते रहो, और न्याय होना अवश्य है, क्योंकि इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 9वां अध्याय और 27वां वचन, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, यहाँ पर लिखा है एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मतलब न्याय तो होगा, तो हमारा न्याय होने वाला है, इसके लिए जागरूक रहना है, जागते रहना है। फिर दूसरे कुरंथी में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरंथी उसका 5वां अध्याय 10वां वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है, जो भी भला बुरा इंसान ने किया है उसका फल उसको मिलने वाला है, ये दूसरी बार हमने पढ़ा। फिर प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और वचन 4, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर भी लिखा है कि न्याय किया गया, न्याय करने वाले लोग सिंहासन के ऊपर बैठे थे। फिर आगे भी पढ़ते उसका 12वां वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था
वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर भी लिखा है कि मरे हुओं का न्याय किया गया। देखो न्याय जो है वो सभी का होने वाला है, और न्याय जो है वो आत्मा का होने वाला है, इस शरीर का नहीं होने वाला है। शरीर तो चला गया नाश में, लेकिन आत्मा का न्याय होने वाला है। फिर आगे हम पढ़ते हैं वही प्रकाशित वाक्य में उसका दूसरा अध्याय और पढ़ो तो 1-5। यहाँ पर लिखा है किस बात में हमारा न्याय होगा, कैसी बातों में हमारा न्याय होने वाला है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो तो। इफिसुस की कलेसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। अभी ध्यान समझना, मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे श्रम को जानता हूँ, मैं तेरी धीरज को भी जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं हाँ। और है नहीं, उन्हें तूने परख कर जुठा पाया। हाँ, जो झूठे प्रेरित उनको भी तूने पहचान लिया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध। देखो, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते भी तू थका नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर ने यहाँ पर किसी के लिए बताई। और आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन एक बात है, एक तेरी गलती है कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, लिखा है किसी मंडली को, और मंडली मतलब हम लोग। तो प्रभु यीशु किसी को खड़ा कर समझ लो ये सारी बातें बता रहे। तेरे काम बहुत अच्छे, तू भाग दौड़ करता है, बहुत अच्छी बात है। तू संगति में रहता है, बहुत अच्छी बात है। तू प्रभु भोज भी लेता है, बहुत अच्छी बात है। तू उपवास भी करता है, बहुत अच्छी बात है। तू प्रार्थना भी करता है, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये सारी बातें तेरे अंदर देखी। जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे प्रेरित, तूने उसको भी पहचान लिया। ये भी प्रभु यीशु उसकी बातें बता रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे। ये सारी बात तेरे अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन फिर उसको एक बात और बताते हैं, लेकिन तेरे विरोध में मुझे एक बात कहनी है कि पहले वाला जो प्रेम तुम उसे शुरू में करता था, पहले वाला जो तेरा प्रेम था, वो अब नहीं रहा तेरे पास। तेरे पास पहले वाला प्रेम नहीं रहा। अभी देखो, ये इसको नहीं मालूम, प्रभु जिसको बता रहे उसको नहीं मालूम कि मैंने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। ये प्रभु उसको बता रहे, सारी बातें बताए, तू ये करता है, तू वो करता है, बहुत अच्छा अच्छा बताया, लेकिन एक बात ऐसी बताई जो उसको नहीं मालूम थी, और वो था उसने पहले वाला प्रेम जो था वो छोड़ दिया था। अभी सवाल ये है, इसको पता क्यों नहीं चला? इसको धीरज रखना मालूम है, इसको झूठे प्रेरित को कैसे पहचानना वो याद है, इसको झूठी शिक्षा कैसे है वो भी उसको याद है, ये कितनी मेहनत करता है वो भी इसको पता है। तो इसको ये बात क्यों नहीं पता चली कि मैं जो पहले वाला प्रेम था, मैं पहले जितना भागता था, पहले मैं जितना दौड़ता था, वो अब नहीं कर रहा हूँ? ये बात उसको क्यों नहीं पता चली? मालूम है क्यों नहीं पता चली? आत्मा में सो गया था। ध्यान में समझना, आत्मा में इंसान जब सो जाता है तब उसको नहीं पता चलता है कि उसके खुद के अंदर कौन सी गलती है। क्यों परमेश्वर को बताने की जरूरत है? क्यों परमेश्वर का दास किसी को बताए तेरे अंदर एक गलती है? क्योंकि उसको नहीं दिखाई दी। उसको क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि सो गया आत्मा में। और इसलिए प्रभु उसने क्या बोला, जागते रहो, जागते रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके अंदर कुछ गलत बात घुस जाए और उसके बारे में आपको पता भी ना चले। ये तो अच्छा है प्रभु ने बता दिया, नहीं बताते तो इंसान कहाँ जाता, वो सुधारता नहीं तो जाता कहाँ। पहले तू बहुत भागता था संगति के लिए, पहले तू बहुत सुसमाचार प्रकट करने के लिए भागता था, पहले तू आत्मा जीतने के लिए भागता था, पहले तू आराधना में भागता था, तू ये करता, तू वो कर, बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो प्रेम जो है वो ठंडा हो गया है। पहले के जितना वो प्रेम नहीं रहा। पहले तू गवाही कितनी बढ़िया देता था, तू गवाही भी नहीं दे रहा है। प्रभु से बोल रहे उसको कि तेरे अंदर, तेरे प्रेम के अंदर, पहले वाले प्रेम के अंदर कुछ कमी आई है, लेकिन ये कमी उसको नहीं पता चली। हमें पता चल जाना चाहिए।
इंसान कमज़ोर हो जाता है और उसको पता चलता है कि मेरे अंदर कमजोरी आ गई। पहले मैं 20 किलो उठा लेता था, पहले मैं 30 किलो उठा लेता था, पहले मैं इतना भागता था, पहले मैं इतना चलता था, अब मैं इतना नहीं कर पा रहा। ये शरीर की बात उसको पता चलती, तो आत्मा की क्यों नहीं चलेगी? शरीर में जाग रहा है लेकिन आत्मा में सोया हुआ है। जब इंसान सो जाता है तो उसको नहीं पता चलता, और इसलिए प्रभु ने इस सोए हुए को बताया कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है, कर पहले वाला प्रेम, नहीं करेगा तो नरक में जाएगा, नाश हो जाएगा, इस बात का न्याय होने वाला है। इसके प्रति हमें जागरूक रहना है, कहीं पहले वाला प्रेम हमने खो तो नहीं दिया, पहले वाला प्रेम मैंने छोड़ तो नहीं दिया। फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य में उसका 3:15-16 वचन पढ़ो तो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रभु कहते हैं ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। गर्म मतलब 100% परमेश्वर में रहना, और ठंडा मतलब 100% शैतान में रहना। ध्यान से समझना, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। इब्रानी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को धधकती आग बनाते हैं। मतलब गर्म होना मतलब 100% परमेश्वर में होना, ठंडा होना मतलब 100% शैतान में होना। लेकिन प्रभु क्या क्या कहते हैं, तू गर्म नहीं है अभी, मतलब 100% गर्म नहीं है, तू ठंडा भी नहीं, मतलब 100% ठंडा भी नहीं, तू बीच में है। जैसे नहाने के लिए पानी करते हैं ना, पानी गर्म करते लेकिन उससे नहाएंगे तो चमड़ी बाहर आ जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर ठंडा पानी और डालते। इसको बोलते गुनगुना, और बोल तू गुनगुना हो गया, मतलब ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मतलब ना तू परमेश्वर में 100% है ना तू शैतान में भी 100% नहीं है, दोनों में नहीं है, तू कहाँ है? बीच में। अभी देखो बीच वाले की हालत, जो बीच वाले होते हैं उनकी हालत देखना कि ना तो वो पुरुष है ना तो वो स्त्री है। अभी तो अच्छा है, गवर्नमेंट ने कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आप स्त्री हो या पुरुष, और तीसरा भी लिख दिया अधर। पहले ऐसा नहीं होता, ये लोग फंस जाते थे, कहाँ पर भरे हम कहाँ पर जाए। प्रभु बोलते ना तू 100% मेरे अंदर है ना 100% शैतान में, तू बीच में लटका हुआ है। तो बीच में मतलब ना पुरुष में ना स्त्री में, आधा पुरुष आधी स्त्री, मतलब आधा शैतान में आधा परमेश्वर में, तू बीच में लटका हुआ है। तो ऐसा इंसान कैसा होगा? सोचो जो 100% प्रभु में नहीं है और 100% शैतान में भी नहीं। इसका शैतान में नहीं है 100%, मतलब 50% तो है ना वो। अभी देखना 50% मतलब वो कैसा करता होगा, और 50% परमेश्वर में, मतलब वो चर्च भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, आराधना भी करता है, और शैतान की भी बात है, निंदा भी करता है, गाली भी बोल देता है, क्रोध भी कर लेता है, बैर भी रखता है, ये भी करता है, ये भी करता है। जब उसको संगत में संगति वाला देखते हैं, क्या बात है जोरदार, और जब संसार में संसार वाला देखते हैं वो भी बोलते क्या बात है जोरदार, हमारे जैसा इधर भी है वो इधर भी है। तो प्रभु क्या बोलते हैं, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। तो इसको तो नहीं पता चला ना मैं गुनगुना हूँ, प्रभु ने बताया ना इसको, तो इसको क्यों नहीं पता चला कि मैं अभी गर्म नहीं रहा, इसको क्यों नहीं पता चला मैं ठंडा भी नहीं हूँ, इसको क्यों नहीं पता चला मैं गुनगुना हूँ, इसको क्यों नहीं पता चला मैं बीच में लटका हुआ, क्योंकि आत्मा में सोया हुआ था, सोए हुए को नहीं दिखाई देता, सोए हुए को ये बात जो है वो पता नहीं चलती। हालेलुया, इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा आत्मा में जागते रहो, इसलिए प्रभु कहते हैं कि आत्मा में जागते रहो। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन, सर्दिस की कलेसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु से ऐसा कहता, तू जीवित कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, मतलब जिंदा दिखाई देता है लोगों को लेकिन तू है मरा हुआ। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि आदम जिस दिन वो फल खाएगा तू मरेगा, और आदम ने वो फल खाया लेकिन नहीं मरा,
हवा ने भी वो फल खाया लेकिन वो भी नहीं मरी। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद वो लोग जिंदा रहे, लेकिन जब प्रभु यीशु उसके पास आए थे, आदम के पास आए थे और फल खाने के बाद, तो परमेश्वर ने आदम से एक बात की थी। और एक वचन हम पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति उसका 3:19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखो प्रभु से ने आदम को क्या, तू मिट्टी ही तो है, पहले नहीं बोला था ऐसा, पहले मिट्टी के अंदर सांस डाली और ऐसा बोला आदम जिंदा है। लेकिन अभी उसी जिंदा आदम को परमेश्वर क्या बोल दे, तू तो मिट्टी है। पहले मिट्टी को भी नहीं बोला तू मिट्टी है, सांस डालकर ऐसा बोला तू तो जिंदा है। लेकिन अभी उसी आदम को जब वो खा पी रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, घूम फिर रहा है, समझ सकती उसके अंदर है, तब परमेश्वर उसको क्या बोल, तू तो मिट्टी है। लेकिन कब बोला, जब उसके अंदर पाप आया। पाप आने के बाद परमेश्वर ने ऐसा बोला कि आदम तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब जिंदा होना मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना या परमेश्वर में होना, और मुर्दा मतलब बिना पवित्र आत्मा का जीवन या तो पाप में जीवन। जब इंसान पाप में जीवन जीता है तब परमेश्वर उसको मरा हुआ कहते, जब इंसान के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहते तब परमेश्वर उसको मुर्दा कहते। और आदम अभी वैसे तो सांस ले रहा है, खा पी रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसको मिट्टी बोला। हालेलुया, परमेश्वर उसको मिट्टी बोला, तू तो मिट्टी है मतलब मरा हुआ है। और देखो इफिसी में भी लिखा है, इफिसी उसका 2 अध्याय और 1 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पापों में मरे हुए थे, अपराध और पापों में मर जीना मतलब परमेश्वर की निगाह में मरा हुआ इंसान, पाप में जीवन मतलब मरा हुआ इंसान। अभी देखो मरा हुआ इंसान मतलब बिना पवित्र आत्मा वाला, वो चर्च जाए, वो बाइबल पढ़े, वो प्रार्थना करे, वो आराधना करे, किसी काम का नहीं। और मैं सच्ची बात बोलता हूँ कि मुर्दा इंसान या तो बिना पवित्र वाला पवित्र आत्मा वाला इंसान वो परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक वचन बाइबल में ही पढ़ लेते हैं हम, भजन संहिता उसका 88:8-10। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा, क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या मरे हुआ इंसान क्या धन्यवाद करेगा, क्या मरा हुआ इंसान परमेश्वर की आराधना करेगा? मरा हुआ इंसान वो आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया, एक कलीसिया में उनका सिंगर जब आराधना करवाता है तब लोग बहुत खुश हो जाते थे कि क्या आराधना करवाता है, खुद भी नाचेगा, लोगों को भी नचाएगा। अब एक जगह पर ऐसा हुआ कि आराधना उनका पास्टर करवा रहा था और जो सिंगर था वो लोगों में बैठा हुआ था। अभी सिंगर हर बार पास्टर से कंप्लेन करता था, मैं लोगों को नाचने को बोलता हूँ, वो नाचते नहीं, वो हिलते डुलते नहीं। और उस वक्त उसके पास्टर ने देखा कि उसका खुद का ध्यान आराधना में नहीं था, वो मालूम नहीं मोबाइल में क्या देख रहा था, अपने पड़ोसी से बात कर रहा था। और पास्टर ने उसको देखा कि मैं इतनी अच्छी आराधना कर रहा हूँ, मैं खुद नाच रहा हूँ और मेरा जो सिंगर वो तो ऐसे ही है, वो तो नाच नहीं रहा। बिना पवित्र आत्मा, अगर उसमें पवित्र आत्मा होता तो उस वक्त भी नाचता होता, उस वक्त भी अच्छी आराधना करवाता होता, करता होता। लेकिन जब कोई जगह मिलती है, जब पोस्ट मिलते तब आराधना करवाता है, और जहाँ जगह नहीं वहाँ पर खुद भी आराधना नहीं करता। इसका मतलब उसकी आराधना एक दिखावा है। और परमेश्वर ने इस कलीसिया को यही बोला कि तू जिंदा कहलाता तो है लेकिन जिंदा कहाँ है, तू मुर्दा है। मुर्दे लोग कौन सा बाइबल पढ़ेंगे, वो लोग बाइबल पढ़ते उनको कुछ नहीं पता चलता। मुर्दे लोग कौन सी प्रार्थना करें, कैसी प्रार्थना करें उनको नहीं पता चलता। मुर्दे लोग आराधना नहीं करते। यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो स्पष्ट लिखा है, क्या मुर्दा उठकर आपका धन्यवाद करेगा, मतलब क्या वो आपको महिमा देगा,
वो आपका धन्यवाद करेगा। लेकिन इसको पता क्यों नहीं चला? इसको तो प्रभु ने बताया कि तू जिंदा कहलाता है लेकिन तू तो मुर्दा है। तू तो ऐसा दिखाव करता जैसे तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है लेकिन तू कहाँ पवित्र आत्मा से भरा, तू तो मुर्दा है। इसको क्यों नहीं पता चला? इसको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि ये आत्मा में मरा हुआ है। और जब आत्मा में मरा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को ऐसा कहा, जागते रहो। ऐसी तो बहुत सारी बातें बाइबल में है कि जो इंसान के जीवन में आ जाए तो नहीं पता चलता, लेकिन पता तभी चलेगा अगर वो आत्मा में जागता रहेगा। तो जब शरीर की बातें हमको पता चलती, हमें बुखार आ गया पता चलता है, हम बीमार हो गए पता चलता है, हम कमज़ोर हो गए पता चलता है, तो यही सारी बातें अगर आत्मा में होती तो क्यों ना पता चले? लेकिन पता इसलिए नहीं चलती क्योंकि इंसान आत्मा में सोया रहता है। इसलिए प्रभु ने अपने चेले जो जिस्मानी तौर से जाग रहे थे लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको कहा कि जागते रहो, क्योंकि मुर्दे लोग बहुत ध्यान समझना कि मुर्दे लोग कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पर एक वचन लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 38वां अध्याय और 18 और 19 वचन, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जीवित ही धन्यवाद कर सकता है, मुर्दा नहीं। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में समझना कि आत्मा में सोए रहोगे तो आत्मा की कमजोरी, आत्मा की बीमारियाँ, ये सब अंदर आ जाएगी लेकिन पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो आप अपने आप को सुधारोगे नहीं, सुधारोगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जा पाओगे, डायरेक्ट नरक में जाओगे। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा, जागते रहना, मतलब कि आत्मा में जागते रहना। जिस्मानी तौर से तो रात दी है परमेश्वर ने, हम रात को सो सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में भी सोने की आदत होती है, वो दिन में भी सो सकते हैं, सुबह भी सो सकते हैं, लेट तक सो सकते हैं, उससे कोई लेना देना। लेकिन आत्मा में अगर नहीं जाग रहे तो समझ लो उसका नाश वो अवश्य है। और इसलिए प्रभु सुचाते हैं कि हम सभी लोग आत्मा में जागते रहे। हालेलुया।